ओके सो हे गाइस दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल हमने देखा आप समझ गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँ सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा हमेशा की तरह, तो आप सिंपली वीडियो देखने में जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस आज की इस नई इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी रुकावट के हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी को दे दिया है। तो उसके बाद जाना गाइस आप सभी को ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पर ऐड कर लेना है। एंड गाइस मॉडल का जो बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज कर रखा है, जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता उसके ऊपर मैंने एक पूरी प्रॉपर वीडियो अभी रिसेंटली बनाई थी, ठीक है। तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया सभी का, तो गाइस उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो आप सभी को कि जिसको नहीं आता वो वीडियो को जाकर चेकआउट जरूर कर लेना, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। तो गाइस अब आप सभी को करना क्या है, तो गाइस यहाँ पर जो है आपको अपने फोटो को यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ऐड करने के बाद आप सभी को सिंपली यहाँ पर ऊपर डन वाले ऑप्शन क्लिक करके डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को इसके ऊपर बनानी शेडो जो कि रियलिस्टिक टाइप की बनानी है हमें, ठीक है। तो उसके लिए करेंगे हम जाएंगे ड्रो टूल में, ड्रो टूल में जाने के बाद गाइस आप सभी को ब्रश में जाना है, यहाँ पे आप सभी को हार्ड ब्रश को पहले सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस पर हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसका जो अमाउंट है गाइस अराउंड कुछ 4 तक यहाँ पे रख लेंगे हम, ठीक है। इसको 4 तक रख लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम सेट कर देंगे। एंड उसके बाद हमें पहले फोटो को जूम करेंगे एंड कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे जो है शेडो बनाएंगे। तो गाइस ये थोड़ी सी ज़्यादा साइज़ हो गया इसका, तो साइज़ को हमें कुछ रखना है अराउंड 2 तक, ठीक है। तो 2 तक रखना है। एंड उसके बाद आप सबको ओनली अपने शूज़ के नीचे कुछ इस टाइप से पेंट करना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड ऐसा क्यों करना है मैं आप सबको अभी बताता हूँ। तो गाइस पहले हमें इस साइड पे कर लेते हैं, सॉरी गाइस, तो यहाँ पे ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस आप सबको कुछ इस टाइप से यहाँ पे शेडो बनानी है, ठीक है। एंड इतना करने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको इसके लेयर में जाना है। इसके बाद आप सबको यहाँ पे ओपेसिटी को जो है कम कर देना है, ठीक है। तो गाइस अभी हमारी शेडो बनी नहीं है, तो उसके लिए अभी हमें और भी काम करना है। तो पहले हम यूनिटी लेयर बनाएंगे एंड इस लेयर को ले जाएंगे हम इसके नीचे। एंड उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है इसको जो है हम थोड़ा साइज़ बड़ा कर देंगे, अराउंड 22 तक कुछ रख देंगे। एंड उसके बाद आप सभी ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी कुछ इस टाइप से ऐसे कर देना है गाइस, ठीक है। तो ऐसे कर देने के बाद फिर आप सभी उसकी जो अमाउंट है इसको कम कर देना है। एंड उसके बाद इरेजर में जाना है, आप सभी को उतना उतना इरेज कर देना है बस, आपके शूज़ के नीचे का रहा हिस्सा, बस इतना इतना आप सभी को जो शूज़ पे आ रहा है उसको इरेज कर देना है। तो देखिएगा इस कितनी रियलिस्टिक सी हमारी यहाँ पे शेडो बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी और कम कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम अब देखिएगा एकदम परफेक्ट है, ठीक है गाइस। तो देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है अब हमारे यहाँ पे शेडो। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे डन कर देंगे, हंस चलेंगे बैक। एंड उसके बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सबको यहाँ से जो है अपने एक इस वाले पीएनजी को ले लेना है। एंड उसके बाद आप सबको फिर इसका ब्लेंडिंग मोड जो स्क्रीन कर देना है। एंड स्क्रीन कर देने के बाद आप सबको कुछ इस टाइप से आपको इस साइड को लगा देना है, ठीक है, जहाँ से ये ट्रीज वगैरह हैं डोर के अंदर, जो इसके पास आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से लगा देना है, ठीक है। तो इससे क्या है कि थोड़ा सिनेमेटिक सा लुक आएगा एंड जो फोटो जो है कम अच्छी लगी सॉरी अच्छी लगेगी। एंड उसके बाद जो है इसकी ओपेसिटी आप कम कर लेना। एंड उसके बाद आप सबको क्या करना है, आप सबको थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लेना है यहाँ पे कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद गाइस आप सबको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप सभी को जो है थोड़ा देख लेना है, अगर आपको कहीं इरेज करना हो तो इरेज कर लेना, बाकी डन करते हैं अभी हम यहाँ पे। एंड उसके बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना, आप सबको दोबारा साइड फोटो में जाना है। एंड ऐसे गाइस आप सबको ये वाला पीएनजी ले लेना है। एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आपको उसका स्क्रीन कर देना है। एंड स्क्रीन करने के बाद आप सबको कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो उसका साइज़ को जो है बड़ा करके लगाना कुछ इस टाइप से, मतलब कि जो पार्टिकल्स वगैरह हैं ये जो हमारे यहाँ से उड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको कुछ जैसे दिखाने के लिए इसको डुप्लीकेट करके आपको कुछ इस टाइप से इधर भी लगा देना है डोर के पास, ठीक है, कि अंदर से डोर में से निकल रहा है सब, ठीक है। तो उसके बाद आप सबको डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको यहाँ पर सिंपली अपनी फोटो को सेव कर लेना है एंड इसकी कलर रिटच करना है जो कि करते हैं लाइटरूम ऐप के अंदर। तो गाइस यहाँ से हम डायरेक्टली लाइटरूम को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी लाइटरूम ऐप ओपन होगी, तब क्या करना, आप सबको यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट्स को जो है आप सबको उसको थोड़ा कम कर देना है, शेडो को थोड़ा बढ़ा देना है। एंड वाइट जो है इसको आप थोड़ा सा कम कर लेना, सॉरी बढ़ा लेना है। एंड जो ब्लैक है इसको थोड़ा कम कर लेना है। उसके बाद जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर को कम कर देना है। एंड उसके बाद जाना कलर्स मिक्स में, ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन को माइनस कर देना है, येलो कलर को लेना है, ह्यू माइनस कर देना है, सैचुरेशन बढ़ा देना है। एंड उसके बाद डार्क ब्लू को लेना है, इसकी सैचुरेशन को माइनस कर देना है, कर देना है डन। एंड उसके बाद गाइस आप सबको नीचे स्क्रॉल करना है, आप सबको इस वाले ऑप्शन में जाकर फिर क्लियरिटी को बढ़ा देना है, विगनेट को हल्का सा डाल देना है। एंड उसके बाद आप सबको ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस नीचे वाले टूल में जाना है, फोटो शार्पनेस को बढ़ा देना है, नॉइज रिडक्शन को बढ़ा देना है, एंड जो कलर नॉइज रिडक्शन आप सबको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस जो फोटो का फाइनल रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप में से कोई भी भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप सभी के लिए मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।